ये पुस्तक आप देख रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन विद्या कोई हो नहीं सकती। जीवन का हमारा आखिरी उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अध्यात्म, आत्म साक्षात्कार। और अगर आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो इसका अध्ययन क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही, इस तरह की पुस्तकों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये पुस्तक हमारे कोर्स का पार्ट क्यों नहीं है, हमारे पढ़ाई का पार्ट क्यों नहीं है। जब हम भारतीय दर्शन में ये मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण विद्या है, वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, जितने भी भारतीय दर्शन हैं उन सब में आत्म साक्षात्कार को सर्वोपरि माना है। तो जब हम इसको सर्वोपरि मानते हैं तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं शामिल करते। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी शिक्षाविदों से और आप सबसे, जो भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार करना चाहता है, कुछ सुधार करना चाहता है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को यथोचित सम्मान देना चाहता है, उससे ये मेरा आग्रह है कि कृपया आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कैवल्य ज्ञान, जीवन, संयम, इन विषयों के ऊपर पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए हर शिक्षण संस्थान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। और जब तक वो ये शुरू नहीं करते तब तक हम आप अधूरे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था अधूरी है और हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, जी जान लगा के प्रयास करना पड़ेगा, तभी जा कर के इन पुस्तकों को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे और हमारे विद्यार्थी आत्म साक्षात्कार के उस महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे जिसको हमारे ऋषियों ने अद्भुत ज्ञान और अपने तपोबल से सिंचित किया है।